बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों से आम जन कराह उठा है। बंगाल चुनाव के दौरान पेट्रोल व डीजल के रेट में उछाल जहां रुक गया था, चुनाव नतीजे आते ही उसने बढ़त फिर से बना ली है। देश के कई राज्यों व शहरों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि बाकी राज्यों में भी यह 100 रुपये को छूने वाला है। आज यूपी के मेरठ शहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस इजाफे के विरोध में वाहनों को साइड में खड़ा कर बैलगाड़ी चलाई। इन लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार ने अब आम लोगों को साइकिल अथवा बैलगाड़ी के युग में ला खड़ा किया है। इस बारे में सपा नेता सरदार परविंदर सिंह ईशु ने यह जानकारी दी। मैं सरदार परविंदर सिंह ईशु, सपा का कार्यकर्ता। बढ़ते तेल और डीजल की महंगाई को लेकर आज हम लोग जो है बैल पर चलाने को मजबूर हैं। एक इन्होंने नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है जी, वो वाकई मुमकिन है। सरसों का तेल देखो जी कहाँ पहुँच गया 200, पेट्रोल 100 के पार, डीजल का क्या रेट हो गया। तो पूरा का पूरा इन्होंने देश पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया और ये लूटने का जो है कोई मौका ये सरकार लोगों को नहीं छोड़ रही। और हमारी तो अब सीधा सीधा लोगों से मांग है कि इस सरकार को बर्खास्त करने में मदद करें, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार हटती है। बस इसलिए हमने आज प्रदर्शन किया बैलगाड़ी पर चढ़ के, क्योंकि भाजपा हमें उसी जमाने में ले आई, क्योंकि पेट्रोल बेचारा कौन भरवा लेगा जो गरीब आदमी होगा जी। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।